फ्रेंड्स आ गए हैं हम स्नूपी को लेने। स्नूपी एक बीगल है और हॉस्टल पर आई है या आ रही है। अब टर्न कर लेता हूँ गाड़ी को मैं। स्नूपी सुन रही है? स्नूपी चलो हॉस्टल चले। स्नूपी हाय, कौन है? कहाँ है स्नूपी? कहाँ है? ओ भैया आ गए। ओ बता भाई। स्नूपी चलो। डॉक्टर अंकल थोड़े ही बेटा भैया हैं। डॉक्टर अंकल से डरती है नहीं? अरे भाई स्कूटी वहाँ खड़ी रहेगी और गजब डरेगी। आ बच्चा। चलो चलो चलो। कहाँ है? कहाँ है? ओह ये कौन? ओह क्या बात है। आपकी आवाज सुन के बहुत खुश हुई। फिर अंदर जाके बैठी है। अब फ्रेंड्स चिमी तो आपको याद ही होगी। चिमी यहाँ ऊपर रहती है। वो देखो ये रही। ये और स्नूपी रहती है नीचे। इन दोनों की भी आपस में बनती नहीं है, वो तो हमें क्या पता ही है। फीमेल फीमेल अलग है, दूसरा ब्रीड बिल्कुल अलग है और इसका नेचर भी ऐसा ही है। स्नूपी तो दबी दबी रहती है पर घर के अंदर हक जमाने वाली बात होती है तो फिर दोनों झगड़ने में हो ही जाता है। अब स्नूपी सीढ़ियों उठ से नीचे घुस गई और आ नहीं रही है। मतलब वो बेड के नीचे घुस गई है, अब आ नहीं रही है। सब पूरा घर उसको बाहर निकालने में लगा है। और वो देखो स्नूपी को लेके आ गए हैं। स्नूपी आते ही सब कुछ स्मेल वगैरह कर रही है और आप आराम से देख सकते हैं इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। ये इस टाइप से फूला हुआ जैसे ये प्रेग्नेंट हो। और हो सकता है फेक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, वो तो अब डिटेल्स पता करेंगे हम, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। सभी जीतू तो आया नहीं है और हमने स्टार्ट कर दिया छोड़ना। सबसे पहले छोड़ा गया विस्की को जो कि अकेला ब्रीड है और स्नूपी को हम उस तरफ लेके चले गए हैं और साथ में छोड़ा है खुशी को। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है और अब इसके बाद छोड़ेंगे चिंकी मैगी खुशी को। नहीं खुशी तो अभी आके गई है, मैगी और चिंकी को। ये फ्रेश हो जाए फिर ही छोड़ते, नहीं तो ये ना खुद बैठेगा ना उनको बैठने देगा। नो मैं मेरे साथ नहीं खेलने का। फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है क्या नाम भूल गया मैं इसका, टाइसन को। और टाइसन के साथ छोड़ा है मैगी और खुशी को और इसी ने गोविंद को बाइट किया है। इसे बाइट नहीं करेगा क्योंकि ये भी पीरियड्स पर है और ये भी पीरियड्स पर है, इसलिए इनके लिए तो परेशान हो गए होगा। इससे ये खुद भी थक जाएगा और चिंकी भी थकेगी इससे, इसीलिए चिंकी के साथ छुड़ा है। होना जाना कुछ नहीं है चिंकी को अब। हाँ मैगी का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैगी अब प्रॉपर टाइम पर आ रखी है तो ये साइड दे सकती है किसी भी मेल को, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये देखो अब साइड कैसे देते हैं वो आपको अभी बताता हूँ। फीमेल का एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड पर ये मेल को कुछ नहीं बोलती। जैसे चिंकी का चला गया है इसलिए चिंकी गुस्सा कर रही है सब पर मैगी को देखना अभी क्या करती है। चिंकी के पास ये जाता तो ये क्या करती है चिंकी, आपने देख लिया, इसको मारना दौड़ना भगाना ऐसा कर रही है। अब यही चीज़ मैगी के साथ होगा। अगर नॉर्मल डेज पर होता तो मैगी भगाती, लेकिन अभी क्या करेगी आप देखना। पहले तो फ्रेश होगी क्योंकि अभी निकला है, तो फ्रेश वगैरह होने के बाद ये खुद भी इंटरेस्ट दिखाने लगेगी देखना। अभी तो दिखा नहीं रही है, अभी थोड़ी देर रुको फिर देखना। चिंकी इसको फोड़ने वाली है, ये चिंकी के लिए परेशान हो रहा है फुल। चिंकी गुस्सा कर रही है, देखो इसके ना टाइसन मुझे देख रहा है कि कुछ तो कर रहे तू, जबकि इसने कल किया है गोविंद के। इसको थकाना भी जरूरी है, इस पर एक बार भी हमला नहीं कर रहा। आप देखो एक बार भी इस पर हमला नहीं कर रहा, जबकि ये 2 सेकंड लगा था किसी भी को मारने में या फिर किसी भी इंसान पर हमला करने में। 2 सेकंड फुर्ती बहुत तेज है, इसीलिए तो ये चिंकी के वार से भी बच जा रहा है। चिंकी इरिटेट होके भी इसको मार रही, लेकिन ये टच नहीं होने दे रहा खुद को फुर्ती की वजह से। इसमें भी फुर्ती है और इसमें तो है ही है।
हाँ, पर चिंगारी के चक्कर में खुद भी फ्रेश वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसी के चक्कर में। लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, एनर्जी लो हो जाए फिर करते हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा चिल्लाता है, इसे रखने में हमें थोड़ी तकलीफ तो आती ही है। ये चिंकी मेरे पास इसलिए आ रही है कि इसको मना कर दे, इसको मना कर दे। विस्के, तेरा नंबर आएगा फिर क्या? अब चिंकी को अंदर भेजा गया है, जब अंदर भेजा तभी ये देखो सुसु वगैरह इसको सूझा है, नहीं तो उसके चक्करों में तो बावला हो गया था। अब मैगी के साथ देखते क्या होता है। मैगी को गुस्सा आएगा कि वो साइड देगी, अभी पता चल जाएगा। वैसे साइड इस टाइप से देते, देखो आप इसकी टेल कैसे टेढ़ी हो रही है, ये देखो पूरी टेढ़ी हो रही है, देखो ये खड़ी है और टेल को कैसे टेढ़ी पाकी कर रही है, मतलब ये इसे एक्सेप्ट कर लेगी थोड़ी देर बाद में। ये देखो इसे तो बोलते हैं साइड देना, जब डॉग ऐसा करने लगे तभी ये मैट के लिए तैयार होंगे, बस उतना ही। अदरवाइज डॉग मेल फीमेल साथ रखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और होगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है, जो मैगी अभी दिखा रही है इसका मतलब ये है कि अभी ये इतनी भी प्रॉपर नहीं आई है, एक दो दिन की अभी भी गैप है और एक दो दिन से प्रॉपर आ जाएगी, फिर टेल वगैरह पूरा देने लग जाएगी और फिर हमें डॉग से दूर ही रखना पड़ेगा। अब इसको भी पीछे भेजना पड़ेगा, इसको भी इसे परेशान करेगा। हम मैगी ने भी लड़ ले जा, मैगी को अंदर डाला तब ये कहीं जाके सुसु बाथरूम वापस इसका ध्यान लगाए, नहीं तो फीमेल्स के चक्कर के अलावा कुछ नहीं दिखता बाबू भाई, कुछ नहीं, खाना भी छोड़ देते हैं डॉग्स। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है जेफ को, जेफ एक लैब्राडोर है और कल चला जाएगा, और चाऊ चाऊ जो कि ब्रूनो नाम है और चाऊ चाऊ ब्रीड है, इसे छोड़ा गया है। डिबूला है, खतरनाक ही है, और ये बच्चा बुद्धि है फुल, मस्तीखोर और फुल एनर्जी भरी और बहुत लाड़ प्यार से पला हुआ जेफ। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है मोगली को, मोगली एक लैब्राडोर है हॉस्टल पर आ रखा है। चार्ली को, चार्ली एक जर्मन शेफर्ड है हॉस्टल पर आ रखा है। और जैक को लैब्राडोर है हॉस्टल पर आ रखा है। इसके बाद छोड़ा जाएगा विस्की और उन सबको भी, और विस्की इसीलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसे निकालो वो बोल रहा है। ये अब समझदार हो गया, पहले ये अंदर फ्रेश वगैरह हो जाता था, अब नहीं होता। मोगली कभी कभार फ्रेश हो जाता है सर्दी के चक्कर में, क्योंकि एसी का टेम्परेचर रात को थोड़ा सा ज़्यादा 26 पर रहने पर भी होता तो है, अब रात को तो ये उठता नहीं है गोविंद भी, तो आज मैं 27 या 28 पर सेट करके जाऊँगा जिससे अंदर कोई सुना करे। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है जॉय को, मैक्स को, डुगू को और विस्की और जूही को। ये लास्ट बैच है, ऑलमोस्ट सारे डॉग्स बाहर हॉस्टल पर। डुगू जॉय हॉस्टल, मैक्स हॉस्टल, जूही हॉस्टल, विस्की हॉस्टल, सारे के सारे डॉग हॉस्टल पर। नो डुगड़ा, डुगू का एक काम बहुत खराब है, पानी पिएगा फिर पानी कैसे छलनाटे मारता अपनी ड्रेस खराब करेगा, अपनी इन द सेंस मेरी। आज गोविंद नहीं, जीतू अब आया है, तो आज आगे का झाड़ू निकालना रह गया है, अब निकालेंगे बाद में, बहुत ज्यादा ही लेट आया, सो गया था, कहते नींद आ गई थी, होता है, नॉर्मल बात है। देखो जॉय को, देखो खुशी और एनर्जी निकालने का तरीका। जूही और मैक्स खेलते हुए, पर ऐसे खेल में भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि पता नहीं रहता, खेलना अच्छा लगता है पर कुछ भी हो जाए तो फटाफट साउंड से रिएक्ट करके इनको दूर करना पड़ेगा। हालांकि जूही समझदार है पर गुस्सा आने में आ सकता है क्योंकि इसको भी खेलना बिल्कुल आता नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये हमारे पास आया था इसे बिल्कुल खेलना नहीं आता था, कोई भी डॉग इसके साथ खेलना करता ये हमला कर देता था उस पर, और अब तो इतना फ़र्क पड़ गया। खैर ये काफ़ी टाइम से अब हमारे पास करीब 2 साल से भी शायद ऊपर, पहले में और अब के बिहेवियर में तो रात और दिन का चेंज है, इसकी पूरी तरह से लाइफ बदल गई। एक बार इसको बाइट लगी, पता नहीं कहाँ कि अपने वहाँ फार्म हाउस से जब हम लेके आए थे, कान को बाइट लगी हुई थी, कान पूरी तरह से सड़ गया था और
उस दौरान हमारी मुलाकात हुई और आज देखो उसमें और आज में रात दिन का फर्क आ गया है और बिहेवियर में भी आ गया है। पहले टच भी करने नहीं देता था किसी को भी अपने आप को, ओनर्स के अलावा। इस वजह से इसके कान की ही हालत हुई क्योंकि स्टाफ के हैंडल हो ही नहीं रहा था। ये बड़े मुश्किल से वो इसे ट्रीटमेंट दे पा रहे थे और हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको एक रूम में दबोच के अंधेरे में रखा था। जब हम इसे लेने गए थे तो बहुत बदबू मार रहा था। वो रात आज भी मुझे याद है। उस दिन मैंने अपनी गाड़ी इतनी स्पीड से भगाई थी क्या ही बताऊँ। उस समय ये सस्पेंसर वगैरह सब चले गए थे गाड़ी के, लेकिन बहुत स्पीड से भगा के लाया था क्योंकि बर्दाश्त के बाहर था और उल्टी जैसा भी हो रहा था। सारे कांच खुले थे, एसी में बंद करके तो ला ही नहीं सकते थे। कांच खुले थे और बहुत स्पीड से आ रहे थे, वो भी नाइट के समय। और जोधपुर से करीब करीब कह सकते हैं 30-35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास से लेके आया था मैं इसे फार्म हाउस से। तब से एक महीने दो महीने ये ट्रीटमेंट सेंटर कहीं अलग जगह रहा, कान का पूरा रिपेयर करा के फिर हमारे पास आया था। तब के बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म से रह रहा है। फ्रेंड्स अब देने जा रहे हैं फूड। फूड में आज देंगे डॉग फूड। खुशी बाहर निकल, पीछे 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 पीछे, बस चिंके मैं गला। वहां देखो आराम से बैठ के खा रहा है, जैसे भी खा रहा है खाओ तो सही, हम तो यही चाहते हैं। इसे देखो खाता ही नहीं है, इसे मीट दो तो अभी खा लेगा। चिंकेड़े पहले इसे टाई नहीं करते थे, अब इसे टाई भी करना पड़ता है। रेस के रुक जा, आ रहे हैं। मैक्स खा, इधर खेलने का समय नहीं, खाओ। जूही को वहां दे दिया गया है, जॉय को यहां दे दिया गया है, ब्रूनो को यहां दे दिया गया है, मोगली को यहां दे दिया गया है, जैक को वहां दे दिया गया है। और ये खाना खाएगी नहीं आज, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने इसे पनीर देख के देखा था, इसने पनीर भी नहीं खाया। तो ये ले जाओ इसकी के लिए, सबको दे दिया गया है ऑलमोस्ट। ये नहीं खा रही और ये खा लेगा, ये लेट खाता थोड़ा, ये भी थोड़ा लेट खाता है दो, और ये तो खाता ही नहीं है, इसको पनीर देना पड़ता है। बाकी मैगी वगैरह ये सब खा लेंगे। ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, रिस्की को बाहर दे दिया गया है। जिसके कम पड़े और डाल देना, ठीक है।